हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख ही रहे होंगे, आप मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने काम में इतना बिजी था। आप देख ही रहे होंगे मेरा पिछला ब्लॉग भी जो आया था वो 10 दिन बाद आया था, क्योंकि रिंग सेरेमनी में मैं इतना बिजी हो गया था कि आप पूछिए मत। तो उसके बाद मैं फिर गाँव निकल गया था, गाँव में मेरा कुछ काम था, फिर वहाँ भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। वहाँ तो मेरे को फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने गाँव का तो ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा जब नेक्स्ट बार गाँव जाऊँगा तब ढंग से एक लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस, आज का हमारा जो मेन ब्लॉग है वो है मेहंदी की रस्म का। तो वो मेन इसलिए है क्योंकि जितनी भी हमारी डेकोरेशन थी वो हमने खुद से करी है। जितने भी हमारे भाई बहन थे सबने मिलकर खुद से करी है। हमने बाहर किसी की हेल्प नहीं ली है, ना हमने बाहर किसी से टेंट वेंट वालों से करवाई है। जितनी भी डेकोरेशन हमने करी है वो खुद करी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आशीष को दे देता हूँ फोन, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो आशीष कह रहा था मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो मैंने कहा आशीष अब तू ही बना, तो अब देखते हैं वो कैसी बनाता है। तो गाइस, सजावट हो चुकी है, तो आपको दिखाता हूँ। मेरे देखो पीछे की सजावट हो चुकी है, तैयार नहीं हुआ अभी। हम सब तैयार होंगे। दादी ये देख सकते हैं, हमारे बेडशीट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। ये हमारा डेकोरेशन है। तो अभी थोड़ा हमें यहाँ पे कुशन वगैरह बिछाने हैं, उसके बाद पूरा हमारा प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा। अंदर है अंकल, अंदर है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ऋतु की मेहंदी हो रही है, तो काफी सुंदर मेहंदी है। और देखिए क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एंजॉय के साथ साथ जो है मौसम जो है थोड़ा सा कोल्ड हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारी दादी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं सारे ये पूरा लंदन।
रहिएगा। Yeah.